नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल जानकारी कुछ हटके पर एक बार फिर से स्वागत है। बहुत बड़ी खुशखबरी, DD 3D 59 ऑक्शन में ये चारों चैनल आ रहे हैं फिर से वापस। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी जो है इस वक्त की डी फ्रीडिस की ओर से और स्टार शो जीएन और सोनी पर कलर रिश्ते चैनल की तरफ से जो है काफ़ी बड़ी खबर आ रही है और कह सकते हैं ये जो है खुशखबरी रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जो है 58 ऑक्शन में इन चैनल्स ने जो है सभी ने डी फिश का साथ छोड़ दिया है और इन्होंने जो है अपनी एप्लीकेशन को वापस कर लिया है और इसी के चलते जो है प्रसार भारती के पास 4 स्लॉट बच गए हैं, जिसके लिए प्रसार भारती मार्च को जो है फिर से ऑक्शन 59 करने जा रहा है। लेकिन जो है एक बार फिर से इन चैनल्स को मौका दिया जा रहा है कि वापस आ जाएँ। जी हाँ दोस्तों, डी फ्रीडिस की काफ़ी ज़्यादा जो है व्यूवरशिप की वजह से और जो है काफ़ी ज़्यादा ट्विटर पर जो है ट्रैक किया गया है और डी फ्रीडिस और प्रसार भारती और इन ब्रॉडकास्टर्स को। जी हाँ दोस्तों, डी फ्रीडिस के जितने भी दर्शक हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा भारी मांग रखी है इन चैनल्स की और जो है इन चैनल्स के जो है ट्विटर पर आप भी जो है ऐसा कर सकते हैं, ट्विटर पर जो है इन चैनल्स को टैग करके, प्रसार भारती को टैग करके लिख सकते हैं कि इन चैनल्स को फिर से वापस लाएँ। तो 22 मार्च के दिन इनको जो है एक बार फिर से मौका दिया जा रहा है। तो खबरों की अगर मानते हैं तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। हमारे चैनल पर आपको डीडी फ्रीडी डीटीएच और सीरियल संबंधित सारी अपडेट मिलती रहती है। तो खबरों की माने तो इन नेटवर्क के पास जो है इनको भी पता चल चुका है कि जो है डीडी फ्रीज के व्यूअरशिप और डीडी फ्रीज के दर्शक जो है इन चैनल्स को स्टार शो जिनमल सोनी पर कलर जैसे चैनल्स की काफ़ी ज़्यादा मांग कर रहे हैं। तो अगर खबरों की माने तो कहा जा रहा है कि ये चैनल एक बार फिर से वापस लौटने का फैसला ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब भी हमारे लिए 59 ऑक्शन के लिए एप्लीकेशन सबमिट करने की तारीख आएगी तब ये चैनल जो है अपना फैसला लेने वाले हैं। इन्होंने कहा है कि हम पर जो है केबल ऑपरेटर और प्राइवेट डीटीएच फ्री टू एयर ब्रॉडकास्टर काफ़ी ज़्यादा दबाव है, लेकिन जो है फिर एक बार इनके आने की उम्मीद अब जो है बन गई है। बाकी जो है ये चैनल वापस आते हैं या नहीं आते हैं 22 मार्च के बाद पता चलेगा। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक।